इस क्वेश्चन में वन मोल H2 जब वन मोल Cl2 से रिएक्ट कर रहा है तो होने वाला एंथैल्पी चेंज हमें दे रखा है डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -185 किलो जूल। अब ये एनर्जीज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये डिपेंड करती हैं जो है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। तो अगर इनको 2 2 मोल किया तो जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो ये -370 किलो जूल। द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।